जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का इस करंट अफेयर की सीरीज में हार्दिक स्वागत है। विजयपथ आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर लेके आता है, तो आज हम अगस्त और सितंबर दोनों मंथ्स का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो कि हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करता, उसके साथ साथ ऑल इंडिया लेवल एग्जाम को हम करंट अफेयर के सेशन से कवर करेंगे। ये हमारा अगस्त मंथ का करंट अफेयर आपके लिए रहेगा, जिसमें जो हमारे क्विज की फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं, उसके साथ साथ वन लाइनर फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। सो अगस्त 2024 का ये सेशन आपके लिए रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं करंट अफेयर में नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, गेम्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूज या फिर जो भी लेटेस्ट समिट्स होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती है, उन सभी चीजों को हम इस करंट अफेयर के सेशन से कवर करते हैं। ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, जो कि अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकला है उसके लिए, साथ में एसएससी के जो भी डिफरेंट एग्जाम होते हैं, चाहे वो जीडी का एग्जाम है या फिर आपका सीएचएसएल का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ में हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम है उनके लिए भी आपके लिए ये स्टैटिक क्वेश्चन है, वन लाइनर की फॉर्मेट में है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, आपके लिए यूजफुल रहेंगे। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जो अभी आपका एचपीपीएससी के द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस का पेपर कंडक्ट करवाया जाना, उसके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर एन अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? आर एन अग्रवाल जिनका भी कुछ समय पहले जो है वो डेथ होगी, उनको अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में भी जाना जाता था। अग्नि मिसाइलों के जनक यानी कि इनके द्वारा अग्नि मिसाइलों को बनाया गया था, इनके ये फाउंडर थे, इसलिए इनको अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में जाना जाता था। डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप इस चीज को रीड कर सकते हैं। इन्होंने भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो बनाई हैं, जो कि हमारा डीआरडीओ और उसके साथ साथ जो एयरफोर्सेस हैं वो इसका यूज करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सबसे अधिक पुलिस वीरता पदक मिले हैं? तो ये सबसे ज्यादा मिले हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीआरपीएफ को सबसे ज्यादा मेडल जो है वो अभी दिए गए हैं स्वतंत्रता दिवस पर, जो कि 15 अगस्त को हुआ था। तो ये अगस्त सितंबर का इकट्ठा करंट अफेयर आपके लिए रहेगा। ये बायलैंग्वल पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर मिलेंगी, जो चीजें आप हिंदी में रीड कर रहे हैं यही सेम टू सेम आपको इंग्लिश में इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ने किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, ताकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका कहां से क्वेश्चन जो है वो गलत हो। तो 16 अगस्त को जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न उनको मिला था अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम के ऊपर रोहतांग टनल का नया नाम रखा गया है अटल टनल। इनकी छठी पुण्यतिथि जो थी वो मनाई गई, और इनका जो समाधि स्थल है, देखिए यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डिटेल से हमें पता लग रहे हैं, इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है सदैव अटल, सदैव अटल जो है उनका समाधि स्थल है। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके साथ साथ जो उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे श्रद्धांजलि जो थी वो अर्पित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, हाल ही में आईपीएस नलिन प्रभात को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया? हिमाचल के डीजीपी आपको पता होने चाहिए, जो कि अभी लेटेस्ट हिमाचल पुलिस में जो भर्ती आई है उसके लिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन हैं, जो लेटेस्ट अपडेट है करंट अफेयर में, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ये थे जम्मू एंड कश्मीर के नए डीजीपी बनाए गए हैं, जिनका नाम है नलिन प्रभात। ये 1992 के बैच के आंध्र प्रदेश के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये
एक अक्टूबर से, वर्तमान में 1 अक्टूबर से कट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5th, इस वर्ष सैन सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव के जो मुख्य पुरस्कार थे वो किसको दिया गया है, तो पेड्रो को। पेड्रो को ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर यहां पे रहेगा। डोनेस्टिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, इनके द्वारा काफी ज्यादा मूवीज जो थी वो बनाई गई थी, काफी प्रभावित लोगों को इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित है, 70वां यानी कि 70 राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है वो फिल्म कंटारा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, वो मिला है ऋष्व सेठी को। ऋष्व सेठी के द्वारा इस फिल्म में काम किया गया था और इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से सबसे बेस्ट अभिनेता का जो है वो प्राइज इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को मानवीय सहायता के लिए भारत से लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप प्राप्त हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत में कैंसर के जो मरीज हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन जिस तरीके से हमारी मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है उस तरीके से उसको हम डे बाई डे क्योर जो है वो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन भारत की सहायता इसमें की है सीरिया ने लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर की जो है वो दवाओं की एक खेप जो है वो भारत को भेजी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है फ्लड वॉच इंडिया, आपको पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये 2.0 में एक नई सुविधा इसकी लॉन्च की गई, तो आपको बताना कि क्या काम करेगा, ये जो 592 स्टेशन सेंटर हैं उनको ये कवर करेगा, उनके बारे में इसको एक तरीके से इनका डिजिटल जो डाटा एनालिसिस है उसको ये चीजों को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th रहेगा, 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO कहां पे आयोजित किया गया। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड्स आयोजित किए जाते हैं, जिस तरीकों से स्कूल्स में आयोजित होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेशनल जो साइंस से रिलेटेड, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ये हुआ है बीजिंग जो कि है कहाँ पे, चाइना में इसको ऑर्गेनाइज किया गया और ये 16 अगस्त 2024 को चाइना में आयोजित हुआ था। कौन से नंबर का ये महोत्सव रहेगा, ओलंपियाड है 17वें नंबर का महोत्सव ये रहेगा, जिसमें भारत की टीम भी जो थी वो वहां पे गई थी और उन्होंने 3 स्वर्ण 2 रजक और 1 जो है वो कांस्य पदक जो है वो जीता है इस ओलंपियाड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अभी हाल ही में EEPC इंडिया और IEEE के द्वारा जो है वो इस समझौते में हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें व्यापार और जो इकोनॉमी है उसको मुख्य रूप से प्रमोट करने का एक उद्देश्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, IBPS MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है सल्ली सुकुमार राइन नायर, ये इनका नाम है और ये नए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नए MD जो हैं या फिर CEO बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट, नवनिर्मित भारतीय तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र जो कि MRCC जो कि कोस्टल गार्ड के द्वारा जो है, इंडिया कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है, ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चेन्नई में और इसकी जो नींव अगर हम बोल सकते हैं कि किसके द्वारा इसको शुरू किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, चेन्नई में इसका हेड ऑफिस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं। मंत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो JP नड्डा हिमाचल से बिलोंग करते हैं और 18 अगस्त को प्रथम नीति निर्माता फोरम का इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, इसका ऑप्शन ए
उसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC जो कि कर्मचारियों को जो है वो इंश्योर करता है, उनकी पेंशन से रिलेटेड आप बोल सकते हो, तो इसमें महानिदेशक का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो अशोक कुमार सिंह जो है वो इसके नए महानिदेशक जो है वो बनाए गए हैं, IAS अधिकारी ये रह चुके हैं और दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक पद के रूप में ये अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अनावरण किए गए डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नया नाम रखा गया है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये जनरेट किया गया है जिसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए जो सहायता है वो बताई गई है, किस तरीके से कृषि उनको करनी है, मौसम की जानकारी भी इनको वहां पे दी जाती है, मिट्टी से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड, ये जो बीमारियां हैं जो खेतों में लग जाती हैं उनसे रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी इसमें जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत ने अगस्त 2024 में किस देश पर डंपिंग रोधी जांच की शुरुआत की है? तो वियतनाम, वियतनाम पर इसकी जो है वो शुरुआत की गई है। भारत ने वियतनाम से हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आधार पर डंपिंग रोधी जांच जो है वो शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17, बांग्लादेश में आयोजित होने वाले ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अब किस देश में होगा? किस देश में होने जा रहा है? तो UAE में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्ल्ड GK के अकॉर्डिंग, नेशनल GK के अकॉर्डिंग, हिमाचल GK के अकॉर्डिंग, सभी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो नया, जो अभी वर्तमान में 2024 का ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कहाँ पे होगा? तो ये होने जा रहा है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि दुबई में जो है इसका आयोजन होना था, लेकिन इसका पहले जो सेटअप किया गया था प्रॉपर ढंग से वो बांग्लादेश में होना था, लेकिन आप जानते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट का कुछ जो है वो उथल पुथल काफी ज्यादा हुई गवर्नमेंट की, उस वजह से वहां पे अशांति फैल गई और उस वजह से बांग्लादेश से उसको स्थानांतरित करके जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमीरात में उसको जो है वो बनाया जाएगा, जो कि दुबई और शारजाह में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए प्रॉम्प्ट DRIPS और जल विद्युत DPR जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर, तो इनके द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई है ताकि ये पता चल सके कि कहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, किस तरीके से उसका बचाव करना है, उसके साथ साथ इसमें ट्रैकिंग की सुविधा भी दी गई है और अगर किसी को कोई जानकारी लेनी, कोई क्वेरी लेनी तो वहां पे हेल्पलाइन नंबर जो है वो डाले गए हैं ताकि वहां पे पूरी तरह से जो है वो लोगों की मदद की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति, ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया था, जो कि दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी आयु 117 वर्ष और 168 दिन थी, उनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है वो निधन हो गया अगस्त महीने में, तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या था। राइट आंसर रहेगा मारिया मोरेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ये सबसे ज्यादा वृद्ध व्यक्ति थे पूरे वर्ल्ड के, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम भी दर्ज करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरालंपिक दल के लिए भारत के मुख्य दलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो 12 खेलों के 84 पैराथलीटों की देश की अब तक की सबसे बड़ी टीम का नेतृत्व करेंगे, यानी कि किसने वो नेतृत्व किया था? उनका नाम है सत्यप्रकाश संगवन। सत्यप्रकाश संगवन ने जो है वो पेरिस 2024 जो अभी हाल ही में पैरालंपिक हुए उसके जो है वो CMD उनको नियुक्त किया गया था, CMD उनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के थोड़े यूनिक लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, 19 अगस्त 2024 को स्टर्जन मून के रूप में जाने वाला कौन सा दुर्लभ खगोलीय घटना घटित हुई? अभी सुपर ब्लू मून जो है वो देखा गया है, इसीलिए काफी ज्यादा ये चर्चित रहा है न्यूज में। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र ने किस जिले में पहला सोलर विलेज लॉन्च किया? महाराष्ट्र का पहला
सोलर विलेज जो बना है वो बना है सतारा, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा जो है वो यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो है वो पीएम सूर्य घर योजना के तहत, पीएम सूर्य घर योजना जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, उसी के तहत जो है ये पहला सोलर विलेज महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम नीति निर्माता फोरम, अभी हमने डिस्कस भी किया, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया, जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये इसमें जो भी दवाइयां हैं या कोई बीमारी है उनसे रिलेटेड जानकारी जो है वो हमें यहाँ पे देगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, कहाँ पे शुरू की गई है, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। HPPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपके हिमाचल पुलिस के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अभी हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, जहां पे हिमाचल ऐसा राज्य बना जिन्होंने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि जो मिड डे मील जो स्कीम थी उसका जो नया नाम है हिमाचल में, वो यहाँ पे रखा गया है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। इसके तहत जो है वो नर्सरी से ही ये जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और कक्षा 8 तक छात्रों को जो है सप्ताह में एक बार इसमें उबले हुए अंडे या फिर फल जो है वो उसमें दिए जाएंगे। और वर्तमान में जैसे मैं मिड डे मील की बात कर रहा था, मिड डे मील है लेकिन हिमाचल सरकार ने उसी के अंडर, उसी मिड डे मील के अंडर जो है वो एक नई योजना भी शुरुआत की गई है, जिसको कहा गया मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, यानी कि हफ्ते के एक दिन जो है वो कुछ ऐसा बच्चों को दिया जाएगा जो कि हाईली न्यूट्रिएंट उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा हवाई अड्डा 3 लगातार वर्षों तक भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीत चुका है? तो ऐसा हवाई अड्डे का नाम आपको बताना जिसको काफी बार जो है अवार्ड मिले हैं, लगातार 3 वर्षों तक अवार्ड मिले, उसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट। तो इसको जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में जो है वो जाना जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है हैदराबाद में, ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में ICC के अध्यक्ष पद से ग्रेट बार्कले ने इस्तीफा दे दिया, वो किस देश के रहने वाले हैं? तो ICC के अध्यक्ष पद से जो है वो नवंबर 2024 में इस्तीफा दे देंगे ग्रेग बार्कले, और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ICC के जो नए अब अध्यक्ष बनने वाले हैं उनका नाम है जय शाह, यानी कि पूरे भारत की मेजबानी जो है वो अब कौन करेंगे, पूरे भारत की, पूरे वर्ल्ड की, या फिर पूरे विश्व में जितना भी क्रिकेट खेला जाता है उसकी जो ICC जो एक मेन संस्था है उसके अध्यक्ष रहेंगे जय शाह, जो कि भारत के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त 2024 को T20 में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो डेरियस विसर के द्वारा ये नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इन्होंने कुल जो है वो 39 रन जो थे वो एक ओवर में बनाए थे, और सबसे ज्यादा रन एक ओवर में बनाने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इसी तरीके के कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पहले सोर गांव के रूप में किस गांव का उद्घाटन किया गया? अभी जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया सतारा गांव जो है वहां पे पहला सोलर प्लांट जो है वो लॉन्च किया गया है। किस योजना के तहत? पीएम सूर्य घर आवास योजना, इसके तहत जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? नए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं एम सुरेश, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? जस्ट अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ICC से जो है वो ग्रेड जो थे वो इस्तीफा देंगे नवंबर 2024 में, और नए भारत के जो BCCI के अध्यक्ष हैं वर्तमान में जय शाह, वो पूरी विश्व की क्रिकेट को जो है वो यहाँ पे होल्ड करेंगे। ICC के नए चेयरमैन जो है वो बनने जा रहे हैं जय शाह, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ग्रेट बार्कले जो है वो 30 नवंबर 2024 को अपने पद से इस्तीफा देंगे, और सबसे युवा है, 35 वर्षीय है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक यंगर को जो है वो अध्यक्ष बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह सचिव का पदभार किसने संभाला था? तो ये है गोविंद मोहन। अभी अगस्त 2024 में केंद्रीय जो होम डिपार्टमेंट है उसमें सचिव का पद संभालने वाले जी का नाम है गोविंद मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड कौन सा बना है? सबसे बेस्ट प्रोडक्ट डेयरी का कौन सा बना है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जिसकी अभी रिपोर्ट आई है, तो वो है अमूल। अमूल की टैगलाइन जो है वो भी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में विज्ञान रत्न श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया है? 2024 में विज्ञान रत्न श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अभी हाल ही में गोविंद राजन पद्म नाभन जी को, जो कि एक प्रोफेसर हैं, ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में पूर्व निदेशक के रूप में ये रह चुके हैं, जिनको भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान रत्न के प्रथम अवार्ड इनको दिया गया। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है भारत रत्न। भारत रत्न ये सबसे बड़ा अवार्ड है पूरे भारत का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि विज्ञान की श्रेणी में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है, तो वो है विज्ञान रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा स्नातक छात्रों के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी क्विज का नाम क्या रखा गया है? अभी आरबीआई के द्वारा हाल ही में एक क्विज स्टार्ट की गई थी, इसका नाम रखा गया था आरबीआई 90 क्विज। इसमें जो थे वो पार्टिसिपेट किया जा सकता था, और बच्चों को जो है वो यहाँ पे अवार्ड रिवॉर्ड आरबीआई के द्वारा जो थे वो दिए जाने थे। और इसमें मुख्य रूप से आरबीआई की एक नई मुहिम थी कि जो उनकी 90 जो वर्षगांठ है उसमें मुख्य रूप से बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना, उनको अवार्ड जो है रिवॉर्ड जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप आरबीआई के जो हेड हैं, जो इसके गवर्नर हैं, उनका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनक दोहिया ने U17 विश्व कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीता है, ये किस देश में आयोजित हुई थी? यानी कि जो विश्व कुश्ती चैंपियन हुई U17, ये भारत के रहने वाले हैं, और U17 विश्व कुश्ती चैंपियन जो है वो कहां पे हुई थी? जॉर्डन में हुई थी, जॉर्डन के अम्मान में हुई थी, जहां पे इनको जो है वो कांस्य पदक मिला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरालंपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, पेरिस ओलंपिक से आपके लिए जो क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में नीदरलैंड में आयोजित जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी जिसमें एशियाई अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था, सबसे बेस्ट एशियाई फिल्म का पुरस्कार जो था वो किसने जीता था? और उस अभिनेता का आपको नाम बताना है, वो फिल्म थी मैदान, जिसको एशिया की सबसे बेस्ट फिल्म के रूप में जो है वो घोषित किया गया, जो कि अभी 2024 में नीदरलैंड में जो रिवॉर्ड्स वहां पे मिले थे, और उस अभिनेता जी का नाम था मोहम्मद जिशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने यूपीआई की क्रेडिट लाइन सुविधा लॉन्च की है जो उपभोक्ताओं को बैंक क्रेडिट लाइनों को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति देता है? तो ये डायरेक्ट काम यहाँ पे किया किसने? फोनपे ने। फोनपे एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसने यूपीआई से डायरेक्ट जो है वो क्रेडिट लाइन फीचर जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम के अगले अध्यक्ष के रूप में देजवानी घोष के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा राजेश नंबियार, इनको नियुक्त किया गया है नेस्कॉम के अगले अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में रोनक दहिया ने कांस्य पदक जीता, तो वहां पे जो कांस्य पदक उन्होंने जीता वो कुश्ती जो थी वो कितने केजी की वहां पे थी? तो ये थी वहां पे 110 केजी की। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIDBI
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे? स्टैटिक क्वेश्चन है, लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में जो है वो इसका हेड ऑफिस यहां पे रहता है। और इसकी जो यहां पे स्थापना है वो 1989 में जो थी वो की गई थी, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। सो ये हमारे अगस्त महीने के करंट अफेयर जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए। अब एक बार जल्दी से वन लाइनर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी अभी हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन डिस्कस किए उन्हीं का एक एक निचोड़ है जो कि वन लाइनर फॉर्म में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, आर्यन अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया उसे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें जाना जाता था अग्नि मिसाइलों के जनक। आपकी रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने करंट अफेयर सेशन देखा तो उनकी यहाँ पे रिवीजन जो है वो रहेगी। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा जो पदक है पुलिस वीरता पुरस्कार वो किस सेना को दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं सीआरपीएफ को। और अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर जो है वो श्रद्धांजलि की गई, कब की गई? 16 अगस्त को। ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, नलिन प्रभात को नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है, कहां के? जम्मू और कश्मीर के। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, उमर अब्दुल्ला जो है वो वहां के नए सीएम जो है वो बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इस वर्ष सेन सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव में डोनेस्टिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पेड्रो जी को सम्मानित किया गया। फिल्म कंटारा में सबसे बेस्ट अभिनेता जो रिवॉर्ड मिला है उनका नाम है ऋषभ सेट्टी। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है वो फ्लड इंडिया ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि निगरानी की जा सके जो भी वोटर रिलेटेड स्टेशन है वहां के। नेक्स्ट है, यहाँ पे किस देश को मानवीय सहायता के लिए भारत से लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप जो है वो प्राप्त हुई है? भारत को ये प्राप्त हुई है, ये सीरिया। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत अपने दल के हिस्से के रूप में कितने एथलीट उस वहां पे भेजे थे पेरिस ओलंपिक में? तो ये थे 84, जिसमें से गोल्ड मेडल जो है वो भारत को नहीं मिला था। हाल ही में दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड यूएनसी का 18वां सदस्य राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है जर्मनी। जर्मनी को इसमें 18वां सदस्य जो है वो घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र कमांड के द्वारा। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहां पे हुआ? इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड कहां पे आयोजित हुआ? बीजिंग चाइना, जिसमें भारत के भी बच्चों ने जो है वो हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता किया गया है? ईईपीसी इंडिया और आईएसएसडीए के द्वारा समझौता किया गया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु मैकेटाइटल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? सलीसु कुमारन नायर जी को नियुक्त किया जाएगा। नया भारतीय तटरक्षक के द्वारा जो है वो एमआरसीसी सेंटर बनाया गया है, जिसकी जो उद्घाटन है वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है वो की गई है। ये बनाया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट है, प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया? ये जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जेपी नड्डा जी के द्वारा। नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है? अशोक कुमार सिंह जी के द्वारा इसका पदभार ग्रहण किया गया। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय द्वारा अनावरण किए गए डिजिटल भू संस्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, यानी कि इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि किस तरीके से खेती बाड़ी करनी है, कौन सी बीमारियां फसलों में लगती हैं। एक सैटेलाइट व्यू वहां पे दिया गया है, पानी के लिए बताया गया है, मृदा के लिए बताया गया, सारी चीजें वहां पे बताई गई। नेक्स्ट है, 2024 में भारत ने किस देश पर डंपिंग रोधी की शुरुआत की है? तो वियतनाम है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 अगस्त 2024 को। डे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में जो है वो बनते हैं, तो वो आप इनको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन सेवानिवृत्त के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। ये थल सेना, इन्होंने थल सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया था। कौन से नंबर के थल सेना प्रमुख थे? तो ये थे 20वें नंबर के थल सेना प्रमुख थे। भारतीय सेना में इन्होंने काम किया है, सुंदर राजन इनका नाम था। नेक्स्ट,
बांग्लादेश में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन अब किस देश में होगा? पहले मैंने आपको बता दिया, अब यूएई में होने वाला, पहले बांग्लादेश में था लेकिन बांग्लादेश की सरकार गिर गई, वहां के प्रधानमंत्री जो थे वो इंडिया आ गए अपने देश को छोड़ के, वहां पे अशांति फैल गई जिस वजह से बांग्लादेश से उसको स्थानांतरित कर दिया दुबई और शारजा। नेक्स्ट इज विद्युत क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक नई मुहिम स्टार्ट की गई है, जैसे कि प्रॉम्प्ट है, जल विद्युत DPR है, DRIPS है, और ये लॉन्च किए गए हैं मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व के जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे उनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम था मारिया प्रायंस मोरेरा। ये आपके बेसिक जो अभी हमने MCQ क्वेश्चन किया आपकी रिवीजन फॉर्मेट में आपके लिए रहेंगे। स्टर्जन मून के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है? तो सुपर ब्लू मून को जाना जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी हाल ही में सोलर विलेज स्टार्ट किया है, जो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर आवास योजना के तहत आता है सतारा जिले में। प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, और इसकी शुरुआत की गई जो कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर JP Nadda के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? यह है हिमाचल प्रदेश। ये इसमें मिड डे मील को भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा नदी की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई थी, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वज वाहक थे उसमें से किन दो भारतीय एथलीटों को चुना गया था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को चुना गया था पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा है जिसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार लगातार 3 सालों तक मिला है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये आपका है हैदराबाद। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे ग्रेड बार्कले, और ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। अब जो नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो हैं सबसे यंगेस्ट 35 साल के जयशाह, जो कि अभी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, 20 अगस्त 2024 को T20 अंतरराष्ट्रीय में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? डेरियस बिसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, सोर गांव जो है वो सतारा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है M. सुरेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकता है, ICC के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सबसे युवा जो है वो उनके चेयरमैन बनने वाले हैं, उनका नाम है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में केंद्रीय गृह सचिव का पदभार किसने संभाला है? उनका नाम है गोविंद मोहन। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 के अनुसार सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सा है डेयरी का, जो कि मिल्क प्रोडक्ट जो है वो सेल करती है? उसका नाम है अमूल। नेक्स्ट इज, नए अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण करने और गैर सरकारी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में चलने वाले SpaceX मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है पोलारिस डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर तरल जल की खोज में योगदान देने वाले नासा के लैंडर का नाम क्या रखा गया? तो नासा ने कुछ समय पहले मंगल ग्रह पर एक सैटेलाइट लॉन्च की थी और उसके जो लैंडर का नाम रखा गया है वो है इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2024 में विज्ञान रत्न श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया है? ये भारत का सबसे बड़ा विज्ञान अवार्ड है जो कि प्रोफेसर गोविंद राजन जी को दिया गया है। RBI ने अपनी नवमी स्थापना दिवस पर RBI के द्वारा स्नातक छात्रों के लिए एक क्विज का आयोजन किया गया है जिसका नाम रखा गया है RBI 90 क्विज। नेक्स्ट, रोहन दोहिया ने अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ये चैंपियनशिप कहां पे आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी जॉर्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में नीदरलैंड में आयोजित एक अवार्ड हुआ था जिसमें सर्वश्रेष्ठ एशिया अभिनेता का अवार्ड दिया गया है मोहम्मद जीशान को, और उस फिल्म का नाम है मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI ने क्रेडिट लाइन सुविधा लॉन्च की है और इसको लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला ऐप है उसका नाम है फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया जाएगा? राजेश नवियार जी को।
जॉर्डन के अम्मान में ये सेम क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, जो कि रौनक दहिया ने अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, तो उनका वजन यहाँ पे पूछा गया था कि वो चैंपियनशिप कितने केजी की थी, 110 केजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIDBI जिसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया के योगासन लीग, जिसको ASMITA अस्मिता के नाम से जाना जाता है, अस्मिता योगासन लीग, उसका आयोजन बिहार में कहां पर किया जाएगा, ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बिहार की राजधानी में पटना पे, वहां पे इसको लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की इस अगस्त मंथ के करंट अफेयर का, जिसमें फिर से हिमाचल का क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि किस क्लास से ये स्टार्ट होता है, तो नर्सरी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को इसको स्टार्ट किया गया है हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसमें कहा गया कि हफ्ते में एक बार बच्चों को जो अंडे खाते हैं उनको अंडा दिया जाए और बाकी बच्चों को जो है वो फल यहाँ पे वितरित किए जाए, तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। सो ये हमारे अगस्त मंथ के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे, ये सेम क्वेश्चन हमारे अब आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ये मिलेंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर को, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें आपके क्विज की फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस को देखने आपको मिलेंगे। इसमें ये हमारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है, इन सभी एग्जाम को ये करंट अफेयर यहाँ पे कवर करता है। सो यहाँ पे सितंबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने नई लॉन्च की गई योजनाओं की NFO अवधि के दौरान ऑटो स्विच सुविधा स्टार्ट की है? ऑटो स्विच का मतलब होता है कि जैसे आपका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो रहा है, तो आपको उस चीज को एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ये स्टार्ट किया गया है LIC म्यूचुअल फंड के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, NFO एक नई मुहिम जो है वो स्टार्ट की गई है LIC म्यूचुअल फंड के द्वारा। नेक्स्ट, किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को लगातार 6वें वर्ष प्रतिष्ठित CIIGBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, ऐसा ये जो पुरस्कार है वो कई बार हम फर्स्ट टाइम ही उसको सुनते हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसकी शुरुआत की गई, जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय जिनके पास है, अमित शाह के द्वारा भारत का है वो 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, इसकी शुरुआत जो है वो अभी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? स्वाति विजय कुलकर्णी को। तो यहाँ पे आपके राजदूत के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 18 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यक्रम के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया CDSL के प्रबंध निर्देशक या मुख्य कार्यकारिणी यानी कि MD जो है वो किसे नियुक्त किया जाएगा? तो निहल बोरा को। इनको रिपीटेड जो है वो यहाँ पे नई MD और CEO की कुर्सी जो है वो यहाँ पे इनको मिलनी है। नेक्स्ट इज, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम रखा गया है, जो कभी चोल साम्राज्य का एक नौसैनिक अड्डा था और जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री को भी कवर कर रहा है, आपके करंट अफेयर के सेक्शन को भी कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, यहाँ पे पहली बार इन्होंने तिरंगा फहराया था, हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराया था, कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है वहां पे जो जगह है वो है श्री विजयपुरम। यहाँ पे ये कभी जो है ये चोल साम्राज्य का एक नौसैनिक अड्डा होता था और अब इसका नया नाम रखा गया है विजयपुरम, और इसकी शुरुआत जो है, इसके नाम की शुरुआत जो है वो
केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट इज हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को अभी कुछ समय पहले मनाया गया। सितंबर मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, भारत में हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी के प्रचार प्रसार और उसकी महत्वता को बढ़ाने का ये दिन है और इसी उद्देश्य के साथ इसको जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको जो है वो जोड़ा जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी और तभी से लेके आज तक जो है इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जब इसको प्रॉपर ढंग से अपनाया गया था, वो अपनाया गया था 1953, यानी कि 1953 से लेके हम जो है आज दिन तक 14 सितंबर को भारत का हिंदी दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल और एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ और वेब 3 फेस्टिवल कहां पे आयोजित किया जाना है, इसका राइट आंसर रहेगा दुबई। तो दुबई में डिजिटल एआई जो टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेटेड जो है वो वेब 3 फेस्टिवल वहां पे शुरू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। दिल्ली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, अरविंद केजरीवाल ने किस वर्ष आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप है यानी कि आम आदमी पार्टी उसकी स्थापना कब की थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो 2012 में इसकी स्थापना जो थी वो इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के कौन से दो अधिकारी नाविका सागर परिक्रमा 2 के हिस्से के रूप में INSV तारिणी पर वैश्विक जल यात्रा अभियान का नेतृत्व करेंगे, तो उनका नाम है यहां पे लेफ्टिनेंट रूपा एंड लेफ्टिनेंट दिलना। लेफ्टिनेंट कमांडर हैं ये रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, इनको ये इस अभियान की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इनको निभानी है। नेक्स्ट है, 2024 के डायमंड लीग फाइनल में ब्रुसेल्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.86 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। यानी कि जब पेरिस ओलंपिक हुए तब भी वहां पे उनका दूसरा स्थान रहा था, और ये डायमंड लीग जब हुई तो वहां पर भी इनको दूसरा ही स्थान जो है वो मिला है। कौन सा स्थान इनके द्वारा लिया गया, तो वो लिया गया दूसरा स्थान, और पहले स्थान पे रहे 87.87, यानी कि 0.01 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला, 0.01 का डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो ये फर्स्ट नंबर पे रहे एंडरसन पीटर्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग में भारत की क्षमता को उजागर करते हुए ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहां पे सफलतापूर्वक किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन के खिलाफ एक रोमांचक शूट आउट के बाद किसे विजय घोषित किया गया, तो पेट्रोलियम खेल प्रोत्साहन बोर्ड को विनर घोषित किया गया। नेक्स्ट इज डेनमार्क की अगली शुल्तस को हराकर बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता, जिनका पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब भी हासिल हुआ, उनका नाम है अनमोल खरब जो कि कहां की रहने वाली है, भारत की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी दिवस के बाद ओजोन दिवस है 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, और मुख्य रूप से जो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है धीरे धीरे, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है, ओजोन लेयर कम हो रही है, यानी कि यूवी रेडिएशन जो है वो पास आउट ना हो पाए, ये ओजोन का काम है, उनको वो फिल्टर करके जो है वो रेडिएशन को हमारे ऊपर भेजती है। तो अगर वहां पे क्या है, छेद हो गया है, ठीक है, ओजोन में क्या हो गया, छेद हो गया, जिस वजह से यूवी रेडिएशन है वो हमारी अर्थ के अंदर एंटर कर जाती है, ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से स्टार्ट होगी, और एक कैंसर या फिर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके उसके प्रति जागरूकता के लिए हर साल हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट इज
विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76th वार्षिक प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज का एमी किस टीवी शो ने जीता है? तो हैक्स ने। ये देखिए वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। हैक्स ने जो है वो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में सबसे बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जो है वो जीता है। नेक्स्ट इज, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैबिड ट्रेन, नमो भारत रैबिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? देखिए भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जो कि लॉन्च हुई है और उसका नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल, जो कि अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है, अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है, गुजरात के दो शहरों को मुख्य रूप से इंटरकनेक्ट करती है। और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किस भारतीय अभिनेत्री को दिया गया है? ये दिया गया है ऐश्वर्या राय बच्चन को, ऐश्वर्या राय बच्चन को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल इंजीनियर डे की जयंती के रूप में किसे, किस महान व्यक्ति को जो है वो याद किया जाता है? यानी कि 15 सितंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस जो है वो मनाया जाता है, इसमें एम विश्वेरवैया जी को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? अमृत मोहन प्रसाद जी की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट इज, हाल ही में चुनाव हुए 94.65% वोट के साथ अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? तो उनका नाम यहां पे रहेगा अब्देलम मजीद तेवोने, ये इनका नाम है जो कि अल्जीरिया के फिर से नए राष्ट्रपति ये बने हैं। नेक्स्ट, 2024 एमी अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है हिरोयुकी सनाडा, जो कि शोगन की रहने वाली। नेक्स्ट इज, 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है सौरभ शाह, सौरभ शाह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज, 25 सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी अरविंद केजरीवाल ने और इसके पहले मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल थे और अब जो नई मुख्यमंत्री बनने जा रही है उसका नाम है आतिशी मोरलेना। आतिशी मोरलेना ये एक फीमेल है और आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ UT एक ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे एक फीमेल जो है वो CM है और एक ही ऐसा स्टेट है जहां पे भी क्या है, एक ऐसा राज्य है जहां पर एक फीमेल जो है वो CM है और उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, जिनकी CM है ममता बनर्जी और दिल्ली एक UT है इसलिए वहां के मुख्यमंत्री हैं आतिशी मोरलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की और रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में किया गया ओडिशा के द्वारा। ऐसे ही कुछ यूनिक क्वेश्चन, कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर्स में बार बार आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या थी वो आपको बताना है, जलवायु कार्यों को आगे बढ़ाना। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, अभी HPSSC का एग्जाम आपके पास आने वाला, PSC के एग्जाम है, राज्य चयन आयोग के एग्जाम है, उसके साथ SSC GD रेलवे NTPC के एग्जाम है, उनमें ऐसा क्वेश्चन आपके थीमों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसका नाम है ब्रिजेश प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 5वीं बार जीती है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो वो जीती है चाइना। भारत ने किस टीम को हराकर, हाँ सॉरी, यहां पे चाइना को जो है वो हराया गया है भारत के द्वारा और भारत ने पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो है वो लगातार 5वीं बार जो है वो जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC अंतरराष्ट्रीय विकास एम्पायर पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन सी बनी है, जिनको अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में एम्पायरिंग करने के योग्य जो है वो बनाई गई है, यानी कि उनको मौका मिलेगा, सलीमा इम्तियाज।
इनको जो है वो आईसीसी इंटरनेशनल जो कि एम्पायर एक पैनल है जहां पे मुख्य रूप से एम्पायरों की सिलेक्शन होती है, तो पाकिस्तान से पहली फीमेल एम्पायर बनी है जिनका नाम है सलीमा इम्तियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खेल हस्ती जो दो बार ओलंपिक पदक विजेता और एक समुद्री इंजीनियरिंग की बेटी है जो कि हाल ही में बंदरगाह नौवान और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर जिसको नियुक्त किया गया। आप सभी जानते हैं पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा हौसला जो था वो उनका था और दो मेडल जो है वो ओलंपिक्स में उनको मिले हैं और ये जलमार्ग मंत्रालय की नई ब्रांड एम्बेसडर जो है वो घोषित की गई है। इनका नाम है बनु भाकर, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट इज नई दिल्ली में आयोजित सेकेंड कॉप 9 ब्यूरो और थर्ड फंड अप्रूवल कमेटी की बैठकों सहित मुख्य डंपिंग विरोधी बैठकों की अध्यक्षता किसने की है, तो इनका नाम है मनसुख मांडविया। ये भारत के वर्तमान केंद्रीय खेल मंत्री हैं। इनके द्वारा सेकेंड कॉप 9 ब्यूरो और थर्ड फंड अप्रूवल कमेटी की बैठकों में डंपिंग विरोधी बैठकों की अध्यक्षता जो है वो इनके द्वारा की गई क्योंकि ये भारत के क्या है खेल मंत्री। नेक्स्ट इज लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया, आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो ममता बनर्जी जी की सरकार है वेस्ट बंगाल में वहां पे डॉक्टर के साथ जो था वो गलत काम हुआ, उसके बाद काफी ज्यादा वहां पे लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ, तो उसी बीच में कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए जिनका नाम है मनोज वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजोन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इनका नाम है समीर कुमार। जितनी भी नियुक्तियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। नेक्स्ट इज एलसीए तेजस फ्लीट और विशिष्ट फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है, पहली महिला लड़ाकू पायलट जो कि फ्लाइंग बुलेट्स में जो है वो काम करेंगी जिसका नाम है लीडर मोहाना सिंह, स्क्वाड्रन लीडर मोहाना सिंह। नेक्स्ट इज जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था, आप सभी जानते हैं वहां पे नेका की जो है वो सरकार बन चुकी है अभी कुछ समय के बाद, एक दो दिन के बाद जो है वहां पे उमर अब्दुल्ला जो है वो नए वहां पे सीएम जो है वो बनने जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है तो ये जो नया कार्यक्रम शुरू किया गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में उसका नाम था मतदाता शपथ, मतदाता शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सितंबर 2024 से प्रभावी होने वाले जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि जॉर्डन जो है वो नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे जिनका नाम है जफर हसन। तो नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 इवेंट के दौरान आयोजित पाक कला प्रतियोगिता का नया नाम क्या रखा गया है, तो स्वाद सूत्र, स्वाद सूत्र जो है वो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 इवेंट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS किस इसरो मिशन के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो उस मिशन का नाम है गगनयान कार्यक्रम। गगनयान का लक्ष्य जो है वो लगभग 2035 तक जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी डे के साथ साथ ओजोन डे भी मनाया जाता है, ओजोन का फॉर्मूला रहेगा O3। सो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने अगस्त और सितंबर मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस किया। आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी अच्छी लगी। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।